लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यात्रान, पिछली बार जब नेपाल से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-184 को कुछ मुसाफिरों के साथ अगवा किया गया था, तब उनकी जान का सदका था मौलाना मसूद अख्तर। लेकिन तब हमारी मांगे कुछ मामूली सी थी, और जो करने का अब हमारा मंसूबा है वो तारीख ही होगा, सारी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर देगा, भारत की बुनियादों को हिला देगा। उन्हें हमारी मांगे पूरी करनी होंगी। जी अंसारी, भारत सरकार का गर्दन झुकाने के लिए गला दबाना लाजिम। एक बात का ख्याल रहे यूजान, इस खुफिया मीटिंग की खबर हवाओं को भी ना हो। हाँ यूजान, एक साल से हमारे तैयार किए हुए कई इंकलाबी जत्थों को कार्रवाई करने से पेशतर इंडियन आर्मी ने श्रीनगर में शहीद कर दिया था। बेफिक्र ब्रदर ओए, तू फकत ऑर्डर करो, ये तमाम सर कटने को तैयार। इस बार जंगे आजादी का फसाना स्विट्जरलैंड में लिखा जाएगा। अब कुर्बानी का वक्त आ गया है ब्रदर, और अगर तुम कामयाब रहे तो कश्मीर के इनकलाबी फसाने में सबसे पहले तुम्हारा नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। ये क्या कर? ओए मतलब, ओए इस इबलिस पर हमारा पहले से नजर था, जिहादी नहीं भारत सरकार का मुखबिर था। ये देखो, अब यूजान और अल हमास के इनकलाब पर लगाम लगाना नामुमकिन बिरादर, नामुमकिन। नमस्कार। वेलकम सर, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति जी, अभिनंदन। सुबह से ही बड़ी उत्सुकता थी आपके आगमन की। धन्यवाद सरीन साहब, ये सरकारी विजिट नहीं है, अब आपके अतिथि है हम। सर वेलकम टू लोकार्नो। थैंक यू पंडित जी। माननीय राष्ट्रपति जी, जनता के इस दरबार में कुछ भावना दिल में उमड़ रही है, आपके सम्मान में कुछ पंक्तियों ने दिल में ली है अंगड़ाई। आज्ञा है? सुनाइए पंडित जी। सरीन साहब आपकी आज्ञा है। आप तो सम्राट अशोक के समान है हजूरे आला, आपने हमारे देश का इतिहास बदल डाला। आपने जब से किया न्यूक्लियर विस्फोट, तब से पड़ोसी देश का छूट गया लंगोट। पंडित जी सीमा पार जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सरीन साहब, मन में देश की भावना तो है। जी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल एम्बेसी। आई होप यू हैव अ वंडरफुल हॉलिडे हियर इन स्विट्जरलैंड किंजल। थैंक यू। लेकिन डैडी कहाँ है? उनकी फ्लाइट पहले ही पहुंच चुकी है, इनफैक्ट इज वेटिंग फॉर यू। ओह प्लीज कम डैडी। डैडी किंजल, इट्स बीन सो लॉन्ग। हाउ आर यू? मिस्ड यू डैड। ये मेरी बेटी है, अमेरिका में हार्वर्ड में लॉ पढ़ रही है। हेलो सर। बैठो। तीन साल में पहली बार अपने डैडी के साथ छुट्टियां मनाने आई हूँ। बिजी मैन यू सी। योर एक्सीलेंसी। यस दिस इज मिस टानिया ब्रार, ये हमारी एम्बेसी की पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है। हेलो मिस ब्रार। नमस्ते योर एक्सीलेंसी। अत्यंत चुंबकीय आकर्षण और प्रतिभाशील व्यक्तित्व की स्वामिनी है ये। पंडित जी ने इनकी तारीफ में कई रचनाएं लिखी हैं सर। बहुत सारी तो सुनने लायक भी हैं। क्यों पंडित जी? अनुमति है तानिया जी? भला आपको कौन रोक सकता है पंडित जी। रूप इन्हें सुंदर मिला, मृग नयनन भी कमाल, पुरुषों के इस मेले में नारी है ये बवाल। पंडित जी, जी कभी कभी एम्बेसी का काम भी करते हो कि नहीं? चलो डैडी, एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, पंडित जी ने हमारी छुट्टियों की शुरुआत हंसी मजाक से कर दी। थैंक्स सर, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने अपनी छुट्टियां मेरे अधिकार क्षेत्र में बिताने का निर्णय लिया। छुट्टियां तो ले ली है, मगर अगले महीने कश्मीर और पाकिस्तान के मामले में यूएन में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके बारे में सोचकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। डैडी आप फिर नाराज कर देंगे मुझे। सर योर डॉटर इज एब्सोल्युटली राइट, देश और विश्व की समस्याओं से कुछ दिन के लिए अवकाश ले लीजिए और अपने परिवार के साथ विश्राम कीजिए। आपके लिए ब्रिजागो आइलैंड का पूरा होटल हमने आरक्षित कर रखा है। सर सुरक्षा के सारे इंतजाम हो चुके हैं सर,
थैंक यू परमार साहब। किंजल, ये छुट्टियां हमारी जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियां होंगी। हैव अ ग्रेट हॉलिडे सर। विसागो आइलैंड पर आपका स्वागत है मिस्टर प्रेसिडेंट। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। मिस ओल्गा, कांग्रेचुलेशंस। वेलकम सर। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। वी होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे। थैंक्स। प्लीज कम। ज्यादा ओवर कास्ट कर सर। तुम लोग आराम करो। ओके सर। क्या बात है डैडी, अब बहुत अपसेट लग रहे हैं। किंजल, यहाँ की टेलीफोन लाइनें बंद है। कमाल है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। कास्कर, स्विच। मैं अभी जाकर इंक्वायरी करती हूँ कि कनेक्शंस क्यों नहीं है। नहीं किंजल, तुम यही रुको, मैं जाधव और कास्कर को बोल के आता हूँ। जाधव, नेटवर्क आ गया, लगता है इन्होंने जानबूझकर जाम किया है। यहाँ स्थिति गड़बड़ है, दूर संचार की सारी लाइंस बंद कर दी गई थी, लेकिन हमने नेटवर्क ऑन कर दिया है। अरे, मोबाइल तो नेटवर्क दिखा रहा है। सर, तुरंत दिल्ली फोन लगाइए, यहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन आपको बाद में समझा देंगे सर। सर, डिफेंस मिनिस्ट्री से बात कीजिए, मैं आपके लिए नंबर लगाता हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट, वर्ल्ड के पुलिस रिकॉर्ड में कई नाम कई शक्ल है मेरी, लेकिन माब्रोज नाम से फेमस हूँ। अलग अलग देश की भाषाएं जानता हूँ, कई कंट्री के पॉलिटिशियंस के साथ मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि उन सफेदपोश लोगों को मेरी टीम और मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस है। उनके हाथ साफ रखने के लिए मुझे मेरे हाथ खून में डुबोने पड़ते हैं। मुझे आपसे उम्मीद है, मेरे हाथ गंदे करने का मौका नहीं देंगे। माब्रोज, मैं जानता नहीं आपकी प्लानिंग क्या है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मुझे बंदी बनाकर आपने खुदकुशी कर ली है, खुद की जान संकट में डाली आपने। हेलो। हेलो, कौन? हाँ गुप्ता जी, गुप्ता जी, मैं किंजल बोल रही हूँ। हाँ बोलो किंजल। स्विट्जरलैंड से बोल रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? हाँ डैडी अभी अभी बाहर निकले और बाहर से गनशॉट्स की आवाजें आ रही है। हेलो 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 किंजल बोलो। किंजल जी, किंजल बोलो। हेलो, गनशॉट्स। योर एक्सीलेंसी, डोंट यू लव योर डॉटर? लिव। यूजन, महाब्रोज का खबर है। राजीव भाई, ओए खुश होए? नहीं ओए। रफीक महाब्रोज, सलाम बिरादर। यूजन, यूजन, गुड न्यूज, हिंदुस्तान का ताज मेरे कब्जे में है। ओए, इतना जल्दी? यकीन नहीं होता है। कानों पर यकीन नहीं होता, पर आंखों पर तो होगा। हम अभी रवाना होता है जी। वेलकम यूजान। सलाम ब्रदर।
सलाम। लगता है पूरी जंग की तैयारी से आया। रफीक मारबरोज, ये पलटन तो हमारे घर का बच्चा लोग है, मिलिट्री नहीं। हिंदुस्तान का ताज कहाँ है? मरहबा, रफीक मारबरोज मरहबा। आफरीन आए, आफरीन। तुमने तो कमाल कर दिया है। हिंदुस्तान का कायदे आजम हमारे सामने हाजिर हो, सलाम करो। सलाम। युजान बख्श आपका इस्तकबाल करता हुए। युजान बख्श, बहुत चर्चा पड़ी तुम्हारे आतंक कार्य के बारे में, क्या इरादा है आपका? नेक इरादा है, वो अमनो चैन का इरादा है। मतलब दुनिया जानता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। टेबल पर बैठ कर मीटिंग करने से या अपने अपने मुल्क में न्यूक्लियर धमाका करके अखबारों का सुर्खियां बनाया जा सकता है, अमन नहीं, आजादी नहीं। किसकी आजादी की बात कर रहे हो? वो 1947 से जिन बाशिंदों को तुम गुलाम बनाए उनका आजादी, कश्मीर का आजादी का बात कर रहे हैं हम, कश्मीर का। तुम्हारे सरहद गांधी खान अब्दुल गफार खान ने जो मसला नहीं उठाया उसे तुम क्यों हवा दे रहे हो? ये क्या है? तुम कश्मीरी नहीं हो। अमरीका कश्मीरी है? उसके साथ तो डिस्कशन जारी है आपका, दुनिया का। उसके लिए सब जायज है, वियतनाम पर हमला, अफगानिस्तान पर बमबारी, यमन में मिसाइल मारता हुए, युआनों के हुक्म का नाफरमानी किया, इराक पर कब्जा, और अब सारी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। सियासी मामला सुलझाना आसान नहीं है, सबकी राय लेनी पड़ती है। ओए, पर अलमास तो कश्मीर के बासिंदों के लिए ये असला उठाए हैं। और ये सब ISI की मदद से मुमकिन है। पाकिस्तान पे उन्हीं का हुकूमत चलती है, मुशर्रफ का नहीं। ISI की रहनुमाई में तुम्हारे कहर से कश्मीर को आजादी दिलाएगा, उस तख्त पर युजान बख्श बैठेगा। तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा युजान। ओए तोबा तोबा, इतना प्रोतिस्त अच्छा नहीं। डैडी, मत भूलोगे तुम एक फादर हो, इकलौती बेटी है तुम्हारी, और अपनी बेटी का खून होते हुए कौन देख सकता है। तुम्हारा वालिद कितना कायर है, मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को आजादी दिलवा सकता है, लेकिन कश्मीर का आजादी नहीं देना मांगता। तुम अलहमास के लीडर युजान बख्श हो ना? ओए, जालिम पढ़ा लिखा है, भला है, दुनिया का खबर है। तुझे जंगे आजादी का मतलब मालूम? तुम्हें पागल कुत्ते का मतलब मालूम? किंजर, अरे तुमने मेरे भाईजान का कुत्ता बोला। रजिम वाहिद, ओए रजिम, बदमजगी नहीं, क्या तालीम दिया तुम अपनी जान को? इसको सबक बाद में देगा, इस वक्त जरूरी काम लाजिम। मैग्नम, टेक हर आउट। ओके, मूव आउट। माजान, चले। रफीक मारब्रोज, जिस सफाई से तुमने ऑपरेशन को अंजाम दिया है बेमिसाल। चले हिंदुस्तानी सरकार, आओ से आप हमारी रिहाइश में हैं। चला। होई, खाना खराब जरा इज्जत से, हिंदुस्तानी सरकार है, चलो। युजान, तुम कुछ भूल गए, जबान दी थी तुमने इंडियन प्रेसिडेंट के बदले $50 million। ओ माफी मारब्रोज ब्रदर, माफी। वो क्या की हिंदुस्तानी कायदे आजम को देखकर दिमाग कुंद हो गया। हम अभी तुम्हारी अमानत का बंदोबस्त करता है, अभी असला नीचे रखो, ए, नीचे। हेलो अंसारी जी। हाँ, खुश खबरी है, पड़ोसी का ताज कैप्टन रफीक का अलमारी में है। क्या? ओए, हमारे चश्मे नजर के सामने है। खूब, बहुत खूब, तुम्हें कश्मीर का सरदार बनाएंगे हम। लेकिन खुराक खाने के लिए इसका कीमत चुकाना पड़ेगा, बिना कीमत के सौदा नामुमकिन। रफीक से कहो एक हफ्ते में मिल जाएगा। हफ्ता नहीं, अभी फौरन। हो बात की नजाकत को समझो युजान, हमें पाउडर भिजवाना होगा वरना लोगों की नजर में आएंगे हम लोग। तो पाउडर को फौरन भिजवाओ, हमारे बिरादर ने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, अब तुम्हारा जिम्मेदारी है अंसारी। हो जाएगा युजान, हो जाएगा, रफीक को रोटी मिल जाएगी, मैंने कह दिया ना, हो जाएगा तो हो जाएगा। रफीक मारब्रोज, रकम बहुत बड़ा है, अफीम पाकिस्तान से कल हिंदुस्तान पहुंचेगा, फिर यहाँ 2-4 दिन में सौदा होगा। कायदे आजम, हमारे साथ निवाला खाने के लिए 2-4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, ख्याल रखना इनका। मैं अपनी जान से ज्यादा इनका प्रोटेक्शन करूंगा। सलाम। सलाम। चलो ही। ब्रायन, मैं बोल रहा हूँ, अंसारी। कहिए अंसारी। जिस काम का जिक्र किया था, पाउडर स्विट्जरलैंड भिजवाना है ना? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, सैम हंस के नाइट क्लब के शो की आड़ में मैं करवा दूंगा। बेहतरीन। और अंसारी,
2% चाहिए। कोई हर्जा नहीं, बॉम्बे में मेरा कॉन्टैक्ट है डबराल, डिलीवरी उसके पास कर दो। आपका प्रपोजल तो बहुत एक्साइटिंग है मिस्टर डबराल, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा पहला फॉरेन शो और कल ही निकलना है। अलीशा को थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अरे शिल्पा, इसमें सोचना क्या है? अलीशा, तुम्हें ये ऑफर फौरन एक्सेप्ट करना चाहिए। वेट एंड यू विल बी लेट। यूरोप के मल्टी मिलियनेयर सैम हंस के नाइट क्लब में परफॉर्म करोगी तुम? सोचो, जरा सोचो। वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है ये, वंस इन अ लाइफ टाइम। He's right, शिल्पा, कभी कभी ज्यादा सोचने से मौका हाथ से चला जाता है। मिस्टर डबराल, आई एम रेडी। बहुत अच्छे। तो फिर कल सुबह ऑफिस आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और अपना साइनिंग अमाउंट भी ले जाओ। स्मार्ट गर्ल। थैंक यू। ये रहा आपका अग्रीमेंट और इस पे चाहिए मुझे आपका ऑटोग्राफ। अलीशा, साइन करने से पहले पढ़ तो लो, इतना भरोसा कर रही हो? शिल्पा, कभी कभी लोगों पे भरोसा करना पड़ता है। लेकिन अलीशा, लेकिन कुछ नहीं, ये तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, सारे आर्टिस्ट साइन करते हैं। और वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं आते। शट अप ना। ओके, ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट, 10 लाख। भाई, हमारी कंपनी बरसों से ऐसे शोज ऑर्गेनाइज कर रही है। तुम देखना अलीशा, तुम्हारा शो हिट हुआ ना तो हमारी रिकॉर्डिंग कंपनी तुम्हारा भी एल्बम निकालेगी। ओके जी, गुड लक। तुमसे मिलने आए हैं। कैप्टन आर्या, तुम्हें मेरे साथ हेडक्वार्टर चलना होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तैयारी करो। यस सर। किसी आतंकवादी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक प्रेसिडेंट के किडनैपिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। क्या अनुमान है तुम्हारा कैप्टन? कंफर्मेशन के बाद ही एक्शन ले सकते हैं सर। कैप्टन आर्या, सर, हमारी खुफिया एजेंसी के मुताबिक पिछले 6 महीनों से आईएसआई भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्यवाही करने की ताक में है। कश्मीरी जिहादी ग्रुप का एक मेंबर जो हमारा जासूस था, लेकिन अफसोस पिछले 48 घंटों से उसकी भी कोई खबर नहीं है। और फिर अभी राष्ट्रपति जी का समाचार मिला है। सर, ऐसी सूरत में हमारे पास सिर्फ 3 रास्ते। पहला, हम हमारे दुश्मन पर जंग का ऐलान करते। दूसरा, आतंकवादियों की मांग मिलने पर पिछली बार की तरह हम उनकी डिमांड्स पूरी कर लें। और तीसरा रास्ता जो आप सब लोगों ने मिलकर देखिए। इस खतरनाक स्थिति में कदम रखने का मतलब जानते हो कैप्टन? इस अभियान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। सर, मेजर वीजी आर्या, नॉर्दर्न कमांड डिवीजन 33 को 1971 वॉर में वीरगति प्राप्त हुई थी। वो मेरे पिता थे। जिस अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी आर्मी को दी जाती है, वो मेरे कंधों पर डालकर आपने मेरा मान बढ़ाया।
मैं आपको निराश नहीं करूंगा, अपने देश का गौरव रखूंगा। वेल सेड कैप्टन। सर आज रात को निकलने की तैयारी कर लो। यस सर। इसमें तुम्हारे नया आइडेंटिटी कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, टिकट और पासपोर्ट है। स्विट्जरलैंड पहुंचते ही तुम्हें रॉक का एक स्पेशल एजेंट कॉन्टेक्ट करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते ही नष्ट कर देना। यस सर। कोई सवाल? नो सर। इस मिशन का कोड नेम है असंभव। सर वेन्यू थी आज स्विट्जरलैंड। वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागत। नमस्ते। हिंदी पंजाबी। सो शी इज द न्यू स्टार अलीशा। ओह व्हाट अ लवली नेम। थैंक यू। अ वेरी स्पेशल वेलकम फॉर यू। सी टुमारोज हेडलाइन। आई होप के सफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। नो प्रॉब्लम, कंटेनर भी पहुंच गया होगा। वेरी गुड, तो जाके कस्टडी ले ले। अलीशा जी, तुम कार्गो कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर कंटेनर की कस्टडी ले लो। मैं लेने जाऊं? कंटेनर तो इन्हें क्लियर करना चाहिए। अलीशा हम लोग क्यों जाएं? सामान कुछ ज्यादा था, इसीलिए मैंने एक कंटेनर तुम्हारे नाम से बुक किया था, क्योंकि शो तुम्हारा है। तुम भूल गई क्या? राइट, छोड़ो। हाँ हम लोग लेकर आते हैं। पहले आप जी, थैंक यू। Hey, hold it, pal, smile. Sir, yes, sir. जी खा बोल रहा हूँ सर। जी देख रहा हूँ सर। मैं सर, बट सर सुन रहा हूँ सर। सर सर, मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान आर्य, आपके लिए फोन है। खा रहे हो या थूक रहे हो? बोलिए सर। कैप्टन आर्या, ब्रिगेडियर लोकेश है। तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो भारतीय रॉ एजेंट अतुल भटनागर है। ये इस मिशन के बारे में उसको कुछ नहीं बताया गया है, तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स वही पूरी करेगा। जी शकल पर मत जाओ, यहाँ की चालाक और उसे का क्लास वन ऑफिसर है। सर गुड लक। कम माय लवली यंग लेडीज। सिफानो सर, tell Tito and Martino to come and collect the container, eh? Okay, sir. ये हम लोग कहाँ गए अलीशा? Actually, Mr. Debral, ये दरअसल कंटेनर हमें यहीं छोड़ना है। और फिर इसी लिफ्ट से होटल में जाना है। Brian, give me the keys. Mario, what do you think you're doing? Shut up! Hurry up, Mark. Faster! Let them go. No. Please. No. बड़े बदतमीज आदमी हो यार, इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं फिर भी है। Drop your guns. No. I kill them. अच्छा। ऐसे? Like that? Huh? Now you're making me very angry. Go on. Kill them. Come on. Sorry. That's better. Sorry. Oh, it's all right. I'm sorry too. Thank you. So, did you people have a good flight? Welcome to Switzerland. You have an appointment for lunch with Mr. Sam Hunts. 1 o'clock sharp. Sam, my boy. तुम तुम हो Sam Hunts? You? देखा डबराल, हमारे साथ रहोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। वही तो मैं चाहता हूँ Sam। और वैसे भी इंडिया में रखा क्या है?